हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीराज और वेलकम टू हमारे नए एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे WMC यानी कि वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च होने वाले नए नए स्मार्टफोन्स, नए नए टैबलेट्स और नए नए वेरिएंट्स के बारे में जो कि स्मार्टफोन्स में लॉन्च होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज बात करेंगे आसूस के Zenfone 5 और Zenfone 5 JDE। आसूस के Zenfone का नया सीरीज लॉन्च हो गया है WMC में यानी कि वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में। तो इसके पहले आप जितने भी वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप उसे आप जाकर पीछे देख सकते हैं हमारे चैनल्स पर। तो बहुत सारे मोबाइल जो है वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस पे लॉन्च हुए हैं और उसे आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के थ्रू, उसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे Zenfone 5 और Zenfone 5 JDE के बारे में। तो दोस्तों, ये आसूस का नया स्मार्टफोन है जो कि वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च किया गया है। आप इसे देख सकते हैं, इसका लुक बहुत बढ़िया दिया गया है। ये दो वेरिएंट में आपको मिल जाता है, एक चमकीला सिल्वर कलर है जबकि दूसरा ब्लैक कलर का है। और इसका कवर देख सकते हैं कितना लाइट कर रहा है। तो इसका जो कलर है बहुत ही मीटियोर सिल्वर, मीटियोर का मतलब जो आप मीटियोर से गिरता है स्काई से, उसी तरह के मीटियोर का लाइट दिया गया और मिड नाइट ब्लू में दिया गया है। जबकि ये देखने में ब्लैक लग रहा है लेकिन इसका ब्लू नाम दिया गया है। कोई बात नहीं, हम इसे आगे बात करते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी, आजकल हम जितने ही मोबाइल्स खरीदते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसकी मेमोरी क्या है, क्योंकि आजकल के जनरेशन में यानी कि आजकल के लोग सिर्फ मेमोरी और रैम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा मोबाइल सबसे ज़्यादा फास्ट चलना चाहिए और ज़्यादा स्टोरेज होना चाहिए, ज़्यादा वीडियोज़ होने चाहिए, ज़्यादा गाने होने चाहिए, ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा हम लोग खोजते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्टोरेज ही बहुत ज़्यादा दिया गया, 64 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज दे दिया गया है। और इसकी बात तो सपोर्ट तक है, यानी कि ये आसूस Zenfone का ये जो 5 JDE है और 5 का है, ये आपको 2 TB तक सपोर्ट कर जाता है। गूगल ड्राइव पर 100 GB पर साल, ऐसे हमें गूगल ड्राइव पर सिर्फ 15 GB का स्पेस मिलता है। लेकिन अगर आप Zenfone 5 खरीदते हैं तो आपको Zenfone 5 के साथ और 5 JDE के साथ 100 GB का पर ईयर गूगल ड्राइव सपोर्ट मिलेगा। यानी कि अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये बेस्ट से बेस्ट स्मार्टफोन है Zenfone का। और इसके वेट के बारे में बात करें तो ज़्यादा भारी नहीं है, 155 ग्राम का है जो कि बहुत ही कम है। इसको आउंस में मापते हैं तो 5.46 आउंस का है डायमेंशन इसके, आप देख सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा खासियत इसका स्क्रीन है, 6.02 इंच का स्क्रीन आपको दे दिया जाता है, बहुत ही अच्छा इंच है। और फुल HD यानी कि 2446x1080p के आप सुपर IPS+ डिस्प्ले दिया गया है। 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, मतलब कि इसमें आपको टोटली 90% तक जो होगा स्क्रीन होगा, बाकी 10% ही पूरे सिस्टम का आपका अलग चीज़ होता है। जैसे कि हम बात करते हैं तो जनरल मोबाइल में होता है जो 80% या 60% तक होती है, बाकी सब जो होती है ब्लैक कलर होती है बाकी सब, लेकिन 60% ही आपको मिल जाती है स्क्रीन। यहाँ पर आपको 90% मिल रहा है। 500 nits तक ब्राइटनेस इसकी हो सकती है। तो यहाँ पर एक बात और जो दी गई है, इसका जो कॉर्नर है बहुत ही कर्व्ड दिया गया, जाकि इसे स्लिम पकड़ने में मज़ा आ जाए आई केयर के लिए, यानी कि आँखों को बचाने के लिए ब्लू लाइट दिया गया है। ऑटो कलर टेम्परेचर है, यानी कि यह टेम्परेचर को देखते हुए कलर को चेंज करता है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन है। मल्टी टच 10.1 बार में मल्टी टच यह कर सकता है। लेकिन बात तो इसकी यह है कि अधिकतर मोबाइल में सिर्फ 5 टच तक ही मल्टी स्क्रीन होती है, लेकिन यह 10 टच तक आपको रिकॉग्नाइज करता है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें गोरिल्ला ग्लास लगे हुए, जो कि आपका मोबाइल बहुत ही प्रोटेक्ट रहता है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर तो पूछिए मत, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 मोबाइल प्लेटफॉर्म विथ 14 NM 64 bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया जो कि AI बूस्ट के साथ है। ये आपका Zenfone 5 मिल जाता है। लेकिन Zenfone 5 JDE की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 यानी कि 5 से भी ज़्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म विथ 10 NM 64 bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर विथ AI बूस्ट दिया जाता है आपको। GPU की बात करें तो क्वालकॉम एड्रीनो 509 Zenfone 5 में, जबकि क्वालकॉम एड्रीनो 630 Zenfone 5 JDE में दिया गया है। मेमोरी की बात हमने पहले भी कर ली, लेकिन यहाँ पर जो बात है रैम की बात हो रही है, तो रैम आपको दोनों में अलग अलग मिल जाता है। अगर आप Zenfone 5 ले रहे हैं तो उसमें आपको 6 GB रैम मिलती है, लेकिन अगर आप Zenfone 5 JDE ले रहे हैं तो 8 GB के रैम मिल जाती है। कैमरा तो भाई दोस्तों आप जानते ही, आज के जनरेशन में कैमरा बहुत ही ज़रूरी होता है। हम लोग हर चीज़ को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, हर मोमेंट को अपने कैमरे के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए कैमरा ही बहुत अच्छा दिया गया है।
12 MP का डुअल पिक्सल इमेज सेंसर दिया गया है आपको, यहाँ पर 12 MP का मिल जाएगा आपको। 1.8 अपर्चर का है, यानी कि आप इसे जूम भी आसानी से कर सकते हैं। LED फ्लैश के साथ है। पिक्सल मास्टर कैमरा नोट्स दिया हुआ है इसमें, ब्यूटी परफेक्शन दिया हुआ है, GIF एनिमेशन पैनोरमा है, तो आप तरह तरह के इसमें आप यूज कर सकते हैं। रियर कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा भी बहुत अच्छा दिया गया है, 120 वाइड एंगल कैमरा, यानी 120 एंगल से यह फोटो को, यानी कि 120 डिग्री तक यह कवर करता है। हाईएस्ट हमारे 180 डिग्री होता है, लेकिन 180 डिग्री नहीं है, सबसे ज़्यादा ये बहुत ही हाईएस्ट है, 120 डिग्री तक यह कैप्चर कर सकता है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये टोटली एक पेनोरमा सिंपल फोटो में आ सकता है आपका। फ्रंट कैमरा वहीं जहाँ पर रियर कैमरा 12 MP का है, तो फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है सेल्फी लेने के लिए, 8 MP का 2.0 अपर्चर का भी मिल जाता है, यह 84 डिग्री तक कवर करता है, इसमें भी सेल्फी मोड, पनोरमा मोड और 9 वेरियस फिल्टर्स मौजूद है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो मत पूछिए, 1080p HD में आप कर सकते हैं। उसके बाद स्पीकर्स की बात करें, स्पीकर्स में आपको बहुत ही अच्छे डुअल स्पीकर से मिल जाते हैं, ताकि बहुत अच्छा साउंड इफेक्ट होता है, लाउडर है। आउटपुट के लिए आपको कोडक दिया जाता है, 3.5 mm जैक का मिल जाता है, माइक्रोफोन दे दिया जाता है, और आसूस नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ माइक्रोफोन दिया गया, यानी कि अगर आप इसमें आप रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो आपका जो नॉइज होगा वो ऑटो रिड्यूस हो जाएगा, FM रेडियो इसके साथ मिल जाता है। तो आज भाई नेटवर्क, आज की दुनिया में मतलब कि नेटवर्क के बिना आप कुछ नहीं है, तो इसलिए इसमें नेटवर्क के लिए भी खासा ध्यान दिया गया है। आपको 4G कनेक्टिविटी मिल जाती है, वाईफाई मिल जाती है, नेविगेशन के लिए GPS है, सिम कार्ड आप यहाँ पर 2 नैनो सिम कार्ड से यूज कर सकते हैं, 2G 3G 4G जो भी आप लगाना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करें तो सब चीज़ ठीक ही है, 100 Mbps तक आपका डाटा कार्ड चल जा सकता है Zenfone 5 में, 1.2 GBps भी जा सकता है डायलअप कनेक्शन के साथ। सेंसर इसमें बहुत तरीके के सेंसर दिए गए हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका लुक जो है, बैक लुक है, यहाँ पर आपको स्लिप सर डाउन बटन दिया गया है, बाकी वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन है, सब एक ही साथ है, डबल कैमरा है, देख सकते हैं फ्लैश है, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ है। साथ ही इसमें एक और चीज़ दिया गया है, वह है फेस अनलॉकर। तो यहाँ पर आपको दिखा गया है कि अगर आप Zenfone लेते हैं, तो Zenfone का क्या है कि बाकी सब एंड्रॉयड पर वर्क करते हैं, लेकिन Zenfone का जितना भी होता है ये एंड्रॉयड ओरियो सपोर्टेड है, और साथ में आसूस Zen UI 5 सपोर्टेड है। तो ये अपना इसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है Zenfone का, Zen UI, उसी पे वर्क करता है। इसमें इतने सारे लॉन्चर थीम्स वगैरह वगैरह दिया जाता है जो कि ऐप है। तो हम मेन तरीके से बात कर रहे थे, तो हाँ एक बात इसमें हम अगर बात करें तो बहुत ही ज़रूरी है, वह इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो Zenfone 5Z और Zenfone 5 का ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको Android 8.0 यानी कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट ओरियो वर्जन मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको इसमें एंड्रॉयड गो जो कि एंड्रॉयड 8.0 का नया वर्जन है वो मिल जाता है। Zenfone 5 का आप ये बॉक्स देख सकते हैं, बॉक्स में सारे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि Zenfone का स्पेसिफिकेशन कितना ही बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, ताकि आप इसे अगर लेते हैं तो अगर या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन है, आप इसे ले सकते हैं। इसके प्राइस के बारे में अभी WMC में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जैसे ही प्राइस के बारे में कुछ कहा जाता है तो हम आपको अपडेट करेंगे और इसके कमेंट में ज़रूर शेयर करेंगे इसके प्राइस के बारे में। अगर आपको ये मोबाइल फ़ोन अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं और हमें बताएं कि यह फ़ोन कैसा है, इसके स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर इसके प्राइस जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट में हमें लिखें कि आप प्राइस जानना चाहते हैं, ताकि हम प्राइस को किसी तरीके से हम खोज कर आपके थ्रू ला सकें। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए वीराज के साथ, ताकि हम आपको नए नए WMC में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएं और उनके बारे में बताएं कि कौन कौन से नए, ताकि आप नए स्मार्टफोन ले रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।